अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप्स को ग्रुप थ्योरी में। तो साइक्लिक ग्रुप में हम साइक्लिक ग्रुप्स को देखेंगे, उसके एग्जांपल को देखेंगे, उसके जनरेटर्स को देखेंगे और कितने जनरेटर होते हैं उन कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स कितने होंगे और उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे का सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेफिनेशन हमारे पास, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट ए इन जी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ जी इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। क्या कहना चाह रहा है इस डेफिनेशन में? वो ये कहता है कि अगर पूरे का पूरा ग्रुप जी किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं साइक्लिक ग्रुप का। अब कैसे जनरेट हो कि आप ए की पार्स लेते जाएं, इंटीग्रल पार्स ऑफ ए। तो ये तो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि उसमें उस नंबर को बार बार जमा किया जाए, ठीक है, यानी कि उसका एक किस्म का आप मल्टीपल कह सकते हैं, वो लिया जाए, वो सारे का सारा ग्रुप जनरेट हो। ग्रुप जी इज सेड टू बी जनरेटेड बाय ए, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, जी इज जनरेटेड बाय ए। ये वाली सिंबल किसकी है? जनरेटर की है, कि कौन से एलिमेंट ने इसे इस ग्रुप को जनरेट किया। अब जो है इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तभी ये आपको जो है ये चीजें क्लियर होंगी। एक ग्रुप है हमारे पास सी फोर, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का ग्रुप है। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। वन इसके अंदर क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। बाकी को हम चेक करते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो इस ग्रुप को जनरेट करता हो। तो मैं आयोटा ले लेता हूं। आयोटा की पावर, देखिए इंटीग्रल पावर आपने लेनी है, वन ले लेते हैं वो आयोटा के बराबर, ओके। आयोटा की पावर टू ले लेते हैं वो माइनस वन के बराबर, ओके। इसी के एलिमेंट आ रहे हैं, इसी ग्रुप के एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। आयोटा की पावर थ्री, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड फोर्थ वन आयोटा की पावर फोर, तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। तो अब हमारे पास चार मेंबर्स आ गए हैं, और अगर ये चारों के चारों इस ग्रुप में से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है कि ये फिर हमारा क्या है, जनरेटर है। तो आप देख सकते हैं आयोटा माइनस आयोटा वन और माइनस वन, ये सारे के सारे इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये सी फोर ग्रुप जो है ये जनरेट हुआ है किससे? आयोटा से, क्योंकि आयोटा की पावर ही हम ले रहे हैं, वन टू थ्री फोर। सिमिलरली ये वाला ग्रुप जनरेट हो सकता है माइनस आयोटा से, ठीक है। तो वो भी मैं जो है वो जल्दी से कर देता हूं, माइनस आयोटा की पावर वन माइनस आयोटा की पावर टू, ये बनेगा आपके पास प्लस वन बनेगा, माइनस आयोटा की पावर थ्री, ये माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा, और माइनस आयोटा की फोर, ये अगर प्लस वन के बराबर था तो ये माइनस वन के बराबर हो जाएगा। देखेंगे माइनस वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, ये भी उसी ने जनरेट कर दिए हैं चारों के चारों एलिमेंट्स। तो इसका ये मतलब है, यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप है लाजमी नहीं कि उसका जनरेटर वन हो, उसके एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। इस काउंटर एग्जाम्पल से हमें इस बात का पता चल गया है। एक और ग्रुप जो है यूनिटरी ग्रुप है हमारे पास यू टेन, फर्ज करो मैं ले लेता हूं टेन ले लेते हैं, तो इसके एलिमेंट कौन से होंगे? वो लेने हैं जो टेन के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स इस सेट का हिस्सा होंगे जिनका 10 के साथ अगर जो है वो कॉमन डिवाइजर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वन हो। तो वो कौन से होंगे? वन होगा, थ्री होगा, फाइव तो नहीं होगा बल्कि सेवन होगा और नाइन होगा, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो यहां पे वन जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, थ्री को हम चेक करते हैं और ये देखें ये टेन है। इसका मतलब है कि इसके जो जो एलिमेंट यहाँ पे आते हैं ना वो होते हैं कि 10 को उसके ऊपर डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर कितना बचता है। तो 1 तो वैसे, बल्कि 3 से हम स्टार्ट करते हैं,
3 की पावर 1 3 वो इसके अंदर मौजूद है, 3 की पावर 2 ले लें वो बनता है 9 वो भी इसके अंदर मौजूद है, 3 की पावर 3 ये बनता है जी 27, कितना बनता है 27 और अगर उसे 10 से डिवाइड किया जाए तो बाकी कितना बचता है 7 बचता है। इसी तरह 3 की पावर 3 अगर ले लेते हैं, सॉरी 4 लेंगे ये बनेगा 81, 81 में आपने देखना है 81 के ऊपर जब हम 10 को डिवाइड करेंगे आंसर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहां पे आंसर आया है क्या वो इस ग्रुप का हिस्सा है या नहीं है, तो देख लें 1379 1379, इसका मतलब है कि ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है और इसे जनरेट किया है किसने, 3 ने, किसने जनरेट किया है 3 ने इसे जनरेट किया है, तो इसके जनरेटर कौन सा हुआ 3 हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ये छोटी सी डेफिनेशन है इसको हम भी साथ डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट की ऑर्डर जो है वही होगा जो पावर उसे आइडेंटिटी के इक्वल करते हैं, वो वाली जो पावर है ना वो उसका क्या होगा ऑर्डर होगा। जैसे दो एग्जांपल मैंने डिस्कस किए हैं और यहां पे ही मैं आपको बता दूंगा कि जैसे यहां पे था जी आयोटा की पावर 4, उसने किसकी इक्वल किया 1 की इक्वल किया, तो यहां पे आयोटा का जो ऑर्डर है वो कितना होगा 4 होगा। इसी तरह 3 का ऑर्डर जो है वो 4 1 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 का ऑर्डर है वो कितना है 4 है। यहां पे माइनस आयोटा की अगर बात करते हैं तो यहां पे हमने देखा कि माइनस आयोटा की पावर जो 2 है ना वो 1 के इक्वल आई है। 1 का यहां मतलब क्या होता है आइडेंटिटी, इसका मतलब है। तो आइडेंटिटी कब आई है, जब माइनस आयोटा की पावर 2 ली है, तो फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहां पे आयोटा है, आयोटा की ऑर्डर जो है वो 4 है, अगर माइनस आयोटा की बात करते हैं उसका ऑर्डर यहां पे कितना है 2 है, और अगर 3 की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर कितना है 4 है। ये इसकी जो है वो नोटेशन है इसको डिनोट करने की। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या है कि वो वाली पावर, इंटीग्रल पावर जिससे वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब हम यहां पे देखेंगे कि हम जनरेटर्स जो है वो कैसे फाइंड करेंगे कि कितने जनरेटर्स होंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अब जनरेटर फाइंड करने के लिए जो है हम सहारा लेते हैं आयलर फाई फंक्शन का, किसका आयलर फाई फंक्शन। फाई एन इसको डिनोट करते हैं फाई एन से। इसको फाइंड कैसे करते हैं ये आपने यहां पे देखना है। तो फाई एन जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन इंटू 1 माइनस 1 ओवर पी 1 1 माइनस 1 ओवर पी 2 अप टू 1 माइनस 1 ओवर पी एन। ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूं कि यहां से p से क्या मुराद है, n क्या है, ये सारा कुछ। अच्छा एक एग्जांपल ऊपर हमने ली थी C4 को हमने सॉल्व करके देख लिया कि उसके जनरेटर कितने हैं, उसके जनरेटर जो है वो हमारे पास 2 थे। जरा हम उसी को फाई फंक्शन पे चेक कर लेते हैं कि क्या उसके 2 जनरेटर आते हैं या नहीं आते। अब यहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, n क्या है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है। अच्छा ऑर्डर जो है ग्रुप का कितना है C4 का, C4 का ऑर्डर है जी 4। अच्छा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 2p को डिनोट कर रहा है, ये 2 जो है ये अल्फा है, इसकी पावर है। हमें इसकी पावर से यहां पे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस प्राइम से मतलब है कि वो कौन सा प्राइम यूज कर रहे हैं हम। तो फाई एन क्या कैसे निकालेंगे, फाई ऑफ 4, ठीक है फाई ऑफ 4, 4 को क्या लिखते हैं जी 2 रेज टू पावर 2। तो फाई ऑफ 4 किसके इक्वल है, आपने एक दफा ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने क्या करना है 1 माइनस 1 ओवर P1, इधर क्या है जी 2 है हमारे पास, ये लिख देना है। अब आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम है,
तो आगे लिखने का कोई फायदा नहीं। इसी को सॉल्व करते हैं, 4 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 और 2 2 से कट जाएगा तो आंसर क्या होगा 2 होगा। तो जिस तरह हमने ऊपर जनरेटर 2 निकाले थे, ये 5 फंक्शन भी हमें बता रहा है कि इसके जनरेटर कितने हैं 2 हैं। फर्ज करो जो है इधर ऑर्डर जो है कोई और आप ले लें, जिस तरह 12 है वो ले लें, तो फर्ज करो हम यहां पे क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो 5 ऑफ 12 फिर क्या होगा, तो यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1। तो यहां पे अब हमारे पास कितने प्राइम है, 2 प्राइम है, एक 2 है और एक 3 है, तो अब हम 2 यूज करेंगे। पहले हम लिखते हैं जी 1 - 1/2, 1 - 1/3, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखने हैं प्राइम लिखने हैं, तो आंसर क्या होगा जी 12 1 - 1/2 1/2 और 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो 3 2 6, 6 2 12 और 2 2 4, तो अगर आपके पास ग्रुप है ऑर्डर 12 का तो उसके जनरेटर कितने होंगे 4 होंगे। अच्छा ये तो अब हमने बात कर ली फाइनाइट ग्रुप की, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनफाइनाइट ग्रुप के जनरेटर कितने होंगे, तो इनफाइनाइट ग्रुप के जो जनरेटर हैं वो है जी 2। जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, उसके 2 जनरेटर होंगे और इसकी एग्जांपल आप देख लें जी Z सेट ऑफ इंटीजर, इसके 2 जनरेटर हैं, कौन कौन से, ये 1 से भी जनरेट होता है और -1 से भी जनरेट होता है। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि सारे इनफिनाइट ग्रुप, ये Z भी इनफिनाइट ग्रुप है, इसके आइसोमॉर्फिक हैं, तो इसके 2 जनरेटर हैं तो बाकी के भी क्या होंगे 2 होंगे। इसी तरह जो फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं जेड एन के, फाइनाइट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, जितने जेड एन के उस ऑर्डर के जो है जनरेटर होंगे उतने उस फाइनाइट ग्रुप के भी आपके पास जनरेटर्स होंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया किसको, जनरेटर को। अब 2 4 जो है वो इसके बारे में अहम रिजल्ट्स हैं सब ग्रुप्स के बारे में। अच्छा इसकी मिसालें हमने दे ली, एक C4 का हमने बता दिया, C3 भी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा UP भी सारे साइक्लिक ग्रुप होंगे, UP वेयर P इज प्राइम, अगर P प्राइम है तो ये UP भी सारे क्या होंगे साइक्लिक होंगे। इसी तरह जो है अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो क्या होगा, वो भी साइक्लिक होगा। यहां पे आप आंखें बंद करके ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह कोई ग्रुप आपको मिल जाए जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर की फॉर्म में आप लिख सकें, ठीक है, उसको 2 स्क्वायर लिख सकें, 3 स्क्वायर लिख सकें, 4 स्क्वायर लिख सकें, तो वो भी क्या होगा साइक्लिक होगा। अब हम इसके सब ग्रुप्स के बारे में और एक दो रिजल्ट देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अब जो है कुछ हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन कन्वर्स में नॉट ट्रू, यानी कि ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात आपने याद रखनी है कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबिलियन होता ही होता है। अब कन्वर्स उसका सही नहीं है, तो इसके लिए जब भी आप कन्वर्स की बात करते हैं तो आपको एक कम से कम काउंटर एग्जांपल लाजमी देना होती है जिसमें आप अपने जो भी आप अपना क्लेम कर रहे हैं उसको आप ट्रू साबित करें। तो कन्वर्स में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक अबिलियन ग्रुप की और मैं वो दिखाऊंगा कि वो साइक्लिक नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है कि एक हमारे पास है जी सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अबिलियन ग्रुप तो है इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। आपको पता है कि ये किस टाइप का ग्रुप है, इसके अंदर फ्रैक्शंस भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, सब कुछ होता है, तो इसको एक नंबर से जो है वो बनाना प्रोड्यूस करना जनरेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके दूसरा रिजल्ट है हमारे पास एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक,
साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। अब अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है ना, हर सब ग्रुप लाजमी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। तो ये एग्जाम्पल भी वही वाली हम दे सकते हैं कि क्यू जो है वो हमारे पास सब ग्रुप है किसका, आर का, ठीक है। क्यू विद रिस्पेक्ट टू प्लस सब ग्रुप ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू। अब देखें आर भी अबिलियन है, क्यू भी अबिलियन है, ठीक है। तो क्यू जो है वो सब ग्रुप है एक अबिलियन ग्रुप का, बट एज वी नो क्यू इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो ये भी जो हमने क्लेम किया प्रूव कर दिया। अब यहां पे असल बात है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज, तो कितने सब ग्रुप होते हैं साइक्लिक ग्रुप के, ये हमने अगर फाइंड करना है तो यहां पे हमें जो है वो गौर करना पड़ेगा। ये टा एन है, इसे कहते हैं टोशेंट फंक्शन। टोशेंट फंक्शन इसे कहा जाता है। टोशेंट फंक्शन की मदद से जो है हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप कितने होंगे। तो फर्ज करें एक ग्रुप हम लेते हैं, चलें पहले कोई स्मॉल ऑर्डर का ले लेते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास ग्रुप है C4 है, ठीक है। इसके अंदर कितने है? इसका ऑर्डर कितना है वो 4, तो टा 4। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2। ये यहां पे P है और ये मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास अल्फा है। तो यहां पे तो क्या लिखना होता है, अल्फा प्लस 1 लिखना होता है। तो टी ऑफ 4 में हम क्या लिखेंगे, अल्फा हमारे पास 2 है, साथ में 1 ऐड कर लेंगे। अल्फा एक ही P है, एक ही अल्फा है, आगे वाले हम लिखेंगे नहीं। तो टी ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है जो C4 है उसके कितने सब ग्रुप होंगे, 3 होंगे।